अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है चिकन के कबाब, जो कि बड़ों, बच्चों, बुज़ुर्गों सबके फेवरेट होते हैं। तो हमारे पास था कुछ बोनलेस चिकन पड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना इसको कन्वर्ट कर दिया जाए गोल गोल कबाब। आप कोई भी शेप दे सकते हैं और साथ धनिया पुदीने की दही वाली चटनी बना के इसके साथ खाएँ तो और भी मज़ा दुबाला हो जाता है। ये बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। जो भी घर में है वो सारा काम आने वाला है, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी हमेशा वीडियोस अपकमिंग में पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कीमा ले लिया है, मैंने इसको मिक्सी में ही कीमा बना लिया है। और आप चिकन चाहे तो आप बोन से अलग कर सकते हैं, मेरे पास वैसे ही लेफ्ट ओवर कह सकते हैं चिकन पड़ा था बोनलेस, तो मैंने इसी का बना लिया। एक बड़ी प्याज मैंने ली है, इसको चॉप कर लिया है, तो इसको भी मैंने चिकन में ऐड कर दिया। आप चाहे तो इसको वो कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, और उसके साथ आपको पानी इसमें से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऐड किया है एक टोमेटो और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ही ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली ऐड कर दी है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे गया नमक, और उसके साथ गए चिली फ्लेक्स, वो भी 1 टेबलस्पून। एक अंडा ज़रूर हम ऐड करेंगे, इससे ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। और चाहे तो हाफ स्पून आप इसमें रिफाइंड फ्लोर ऐड कर सकते हैं, थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अच्छे से मिक्स करने से ये होगा कि मसाला अच्छे से कीमे में एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी जब आप इसको कोई किसी भी शेप में मोल्ड करेंगे, चाहे तो आप चौड़े कबाब बना सकते हैं, लंबे बना सकते हैं, या फिर इसको गोल गोल टिक्की की शेप में आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं और बड़ों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट, चटनी और किसी भी केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है, हम इसको रखेंगे 15-20 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में। ठंडा हो जाएगा जब, तो आप इसको मोल्डिंग में और ज़्यादा आपको आसानी होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लेट में करूँगी ऑयल से इसको ग्रीस, ताकि जब मैं मोल्डिंग दे के यानी इसकी कोई भी शेप बना के इसमें रखूँ तो इसको उठाने में ये साथ चिपकेगा नहीं। तो ये देखें, इतना सा आप कीमा लें चिकन का, अपने हाथों को ग्रीस करें और यूं थोड़ा थोड़ा आप इसको बाउल बना के राम राम से टैप करेंगे तो ये इस शेप के कबाब बन जाएंगे। और बिलीव मी, आप इनको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब चाहे आप शैलो फ्राई करके इसको पका के खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में यूज़ हो सकते हैं, टिफ़िन्स में आप बेच सकते हैं, ये बड़े कमाल के लाजवाब होते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनकी सबकी शेप ऐसी बना ली है। आप चाहे तो इसको लंबाई में बना सकते हैं, चाहे तो चौड़ाई में, कोई सी भी शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो ये देखें, हमने ऐसे गोल गोल और बड़े राम राम से हमने टैप करके इसको चारों कोनों से राउंड कर लेते हैं और यूं मैंने बना लिए। ले जी, हमने यहाँ पे तेल में डाल दिए। एक बात जो आप यहाँ पे आपने याद रखनी है कि कोशिश करें तेल आपका वार्म हो, ना कि बहुत ज़्यादा हीट अप, क्योंकि जब आप डालेंगे तो ये बहुत नीचे से बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। आपने इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए इसकी वन साइड पकानी है और 5 मिनट्स के लिए इसकी सेकेंड साइड को आपने पकाना है। इट्स टोटली ऑप्शनल, ये आपने टोटली ऑप्शनल है। ये तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी के लिए एक एक स्लाइस टोमेटो ऊपर लगा दिया है। और कोशिश कीजिएगा आपका ऑयल इतना हो कि दूसरी साइड इसमें डिप ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर ऑयली हो जाएगा। तो यूँ मैंने इसके साथ लगा दिया, जब इसको मैं टर्न ओवर करूँगी तो ये नीचे से पक चुका होगा। तो आप देख सकते हैं, तो कितने अच्छे से 5 मिनट्स के लिए कोशिश कीजिएगा, आपने इसको पकाना है 5 मिनट तक, और आँच हमेशा आपने इसकी लो रखनी है, क्योंकि लो आँच पे ये अंदर तक अच्छे से गल जाएंगे, अदरवाइज ये कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने साइड्स को चेंज किया है, कितने खूबसूरत और कितने यमी लग रहे हैं। और ये एक साइड इसकी टोटली पक चुकी है, हमने साइड को टर्न किया है। दोनों साइडों को अच्छे से आप टर्न करके पकाने के बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दोनों साइडों से दिखा रही हूँ कितने अच्छे अंदाज में पके और बड़ा यमी और क्रिस्पी हैं। तो हम इसको डिश आउट करेंगे यहाँ पे, तो सब सारे मैं यहाँ पे निकालूंगी, डिश आउट करूँगी। और ये देखिए जी, टोमेटो वाला भी आ गया है। टोमेटो ऐसे पका हुआ होगा और ये बहुत मज़े का होता है जब आप इसको 2 पीसेस में करके खाते हैं, टोमेटो का भी बीच में टेस्ट आ जाता है, तो बहुत कमाल के बने। ये रही हमारी दही और पुदीने की ग्रीन चटनी, वो भी दही के साथ, और आप इसको सर्व करें, मज़े आएँ, खाएँ पिएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।